हेलो बेटा नाउ दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ़ द चैप्टर वन चैप्टर वन में मैंने आपको बोला पहले मैं आपको शेयर कैपिटल एक्सप्लेन कर दूँ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड का पहला मेजर हेड होता है शेयर कैपिटल ये आप अपनी सेकेंड बुक में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हो शेयर कैपिटल का चैप्टर तो देखिए बेटा शेयर कैपिटल क्या होती है शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स है ना uh, जो कंपनी है कंपनी में जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट होती है उसको हम शेयर कैपिटल का नाम बोलते हैं शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है बेटा पहली कैपिटल है ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल कितने तरीके की ऑथराइज्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल मतलब कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है अब ये हमारी एक मैक्सिमम कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है अपने लाइफ टाइम में जो अपनी कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में जो कंपनी रेस कर सकती है इसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल क्लियर जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में रेस कर सकती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल क्लियर सब इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल समझिए यहां पे फॉर द एग्जाम्पल कंपनी ने रजिस्टर्ड किया दस करोड़ की कैपिटल के साथ लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने उसको परमिशन दिया सात करोड़ की कैपिटल तो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में सात करोड़ की कैपिटल ही इशू कर सकती है उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती जब कंपनी ने सात करोड़ डिसाइड किया उसी टाइम कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि तीन करोड़ इसमें से मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा और चार करोड़ इसमें से मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा जो तीन करोड़ मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा कंपनी ने डिसाइड किया इसकी फेस वैल्यू थाउजेंड रुपीज होगी फेस वैल्यू बोल दो या नॉमिनल वैल्यू बोल दो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू डिसाइड की सौ रुपए हजार रुपए दोनों को मल्टीप्लाई किया थ्री करोड़ हो गया ठीक है अब आती है प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू डिसाइड की प्रेफरेंस कैपिटल फोर करोड़ है उसने वैल्यू डिसाइड किया टू हंड्रेड रुपीज फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो भी बोल दो नंबर ऑफ प्रेफरेंस कितने हो गए टू लाख ठीक है तो टू लाख को टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर करोड़ आ जाएगा तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू लाख एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू टू हंड्रेड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फोर करोड़ क्लियर अब इसमें से कंपनी जो वो तो मैक्सिमम शेयर है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है कंपनी इशू किस किस को कर सकती है पहला है सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए एम ओ ए क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको जिसने भी सिग्नेट्रीज बेसिकली सिग्नेट्रीज ए सब्सक्राइबर्स नहीं है सिग्नेट्रीज ऑफ एम ओ एम ए को जिसने सिग्नेटरी दिए हैं उसको इशू करती है डायरेक्टर्स को इशू करती है एज अ क्वालिफाइंग शेयर्स की कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए लोगों को शेयर्स लेने पड़ेंगे एज अ क्वालिफाइंग शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं ठीक है पब्लिक को जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे अपने सेकेंड बुक के चैप्टर में एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश इसका मतलब है हमने कोई बिल्डिंग खरीदी जिससे बिल्डिंग खरीदी वो कहता है मुझे आपके आपसे पैसा नहीं चाहिए आप मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो तो उसको दे दिए तो शेयर्स किस किस को इशू किए जाते हैं प्रमोटर्स को एम के सिग्नेटरीज को डायरेक्टर्स को एज अ क्वालिफाइंग शेयर्स पब्लिक को और अदर देन कैश इन दोनों पॉइंट का आपका कोई लेना देना नहीं है आपका लेना देना इन दोनों पॉइंट से है पब्लिक को जो इशू करते हैं और कंसिड्रेशन अदर देन कैश करते हैं अब आती है बात सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल कितने तरीके की होती है सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके के होते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप अच्छा अब ये क्या है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप क्या है आपको ये जो कंपनी का जो प्राइस था एक सेकेंड ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ देखिए नहीं किया अच्छा नहीं किया एक्सप्लेन अच्छा, अच्छा आपको कुछ चीज़ समझाती हूँ जैसे यू भी हमने किया था इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर का प्राइस थाउजेंड रुपीज जो थाउजेंड रुपीज़ है जो कंपनी ने डिसाइड किया है कंपनी इस थाउजेंड रुपीज को एक साथ मंगवा सकती है एक साथ एक साथ मंगवा सकती है जिसको भी इशू कर रही है शेयर उसको कह रही है मुझे थाउजेंड रुपीज दे दे और देखो मैं इतने शेयर दे रही हूँ तो पर शेयर के हिसाब से थाउजेंड रुपीज उससे ले सकती है उसको बोलते हैं लमसम या फिर इसको मंगवाती है इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या होता है एप्लीकेशन ठीक है आपने सेकेंड बुक में पढ़ोगे चैप्टर वन में इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एक होता है एप्लीकेशन फिर होता है अलॉटमेंट ठीक है फिर होता है फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल जब तक पूरे थाउजेंड रुपीज नहीं मंगवा देती तब तक कॉल्स चलती रहती है जो फाइनल जब कंपनी पूरे थाउजेंड रुपीज जिस कॉल पे मंगवाएगी उसको बोल देते हैं फाइनल वर्ड फाइनल कॉल बोल देते हैं उसको ठीक है तो थाउजेंड रुपीज कंपनी कॉल्स में मंगवा सकती है पहली कॉल को बोलते हैं एप्लीकेशन दूसरी कॉल को बोलते हैं दूसरे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल फिर सेकेंड कॉल फिर थर्ड कॉल जब पूरे थाउजेंड रुपीज हो जाएंगे उसको बोलते हैं हम फाइनल कॉल ठीक है ये हो गया अच्छा अब कौन सी कैपिटल सब्सक्राइब है कौन सी कैपिटल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कैपर दो तरीके की है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कौन सी सब्सक्राइब एंड फुली पेडअप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप है उसके लिए मुझे आपको यह बताना जरूरी था कि जो कंपनी पैसा मंगवाती है थाउजेंड रुपीज या दो सौ रुपये का प्रेफरेंस शेयर उसको इकट्ठे मंगवा सकती है और इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है ठीक है चलिए अब देखिए सब्सक्राइब एंड फुली अप में कब लिखा जाता है सब्सक्राइब एंड फुली अप में तब लिखा जाता है जब कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा मंगवा लिया ठीक है जो भी शेयर का प्राइस है हजार रुपये दो सौ रुपये सौ रुपये पचास रुपये जो भी शेयर का प्राइस है कंपनी तो ने सारा का सारा पैसा मंगवा लिया हैज़ बिन कॉल्ड मंगवा लिया और कंपनी को मिल भी गया पेड अप बाय द शेयर होल्डर और शेयर होल्डर ने दे भी दिया कोई डिफॉल्टर नहीं है उसने पैसा दे भी दिया तब तो उसको लिखते हैं हम सब्सक्राइब एंड फुली अप में जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक कंपनी ने दो हज़ार शेयर इशू किए सौ रुपये का एक था सारा एंटायर नॉमिनल वैल्यू हैज बिन कॉल्ड सारा पैसा मंगवा लिया गया एंड पेड अप बाय द पब्लिक और पब्लिक ने दे भी दिया कंपनी ने सारा पैसा मंगवा लिया और सारा पैसा मिल भी गया कंपनी को इट ऑल्सो इशूड फाइव थाउजेंड प्रेफरेंस शेयर और कंपनी ने पांच हजार भी इशू किए दो सौ रुपए का एक था फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग खरीदने के लिए एज फुली पेडअप एज फुली पेड अप मतलब सारा पैसा मिल गया कंपनी को ठीक है देखिए लोगों को इशू किए दो हजार शेयर्स इक्विटी शेयर्स सौ रुपए का एक कंपनी ने सारा सौ रुपया मंगवा लिया और सारा पैसा मिल गया फिर कंपनी ने पाँच हज़ार शेयर किसको इशू किए बिल्डिंग खरीदने के लिए और वो सारा का पैसा कंपनी को मिल गया एज फुली पेडअप थे ठीक है तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कैसे इसको इसको लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में लिखेंगे कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया और कंपनी को सारा पैसा मिल गया दो हजार इक्विटी शेयर्स थे सौ रुपये का एक दो लाख पाँच लाख पाँच हजार प्रेफरेंस शेयर्स थे दो सौ का एक दस लाख ठीक है टोटल 12 लाख ,00 ये 12 लाख ,00 की क्या है कंपनी के सब्सक्राइब एंड फुली अप वाले कैपिटल अब बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप कब होता है सब्सक्राइब एंड पेड तो तब होता है जब सारा पैसा मंगवा लिया एंड सारा पैसा मिल गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप कब होता है कब होता है जब कंपनी ने सारा पैसा नहीं मंगवाया हैज नॉट बिन कॉल्ड जब कंपनी ने सारा पैसा नहीं मंगवाया या फिर कंपनी ने सारा पैसा मंगवा तो लिया बट मिला नहीं पहला कंडीशन है और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाए तब नॉट फुली पेड अप में लिखा जाता है या तो कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया या मंगवा तो लिया लेकिन मिला नहीं जैसे एग्जाम्पल देखिए एक्स लिमिटेड ने तीन हज़ार शेयर इशू किए सौ रुपये का एक जिस पर कंपनी ने भी थर्टी रुपीज़ की कॉल नहीं मंगवाई थर्टी रुपीज़ की कॉल नहीं मंगवाई तो कंपनी ने सेवेंटी रुपीज़ मंगवाए हैं ठीक है तो सेवनटी तो इसको हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ठीक है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पी डी पीडीएफ बनाते हुए कट गया यहाँ पे देखे वाई लिमिटेड ने दो हजार शेयर इश्यू किए दो सौ रुपए का एक ईच फुल नॉमिनल वैल्यू हैज हाँ बिन कॉल्ड सारा पैसा मंगवा लिया बट एक शेयर होल्डर वन शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स लिखे यहाँ पे हंड्रेड शेयर्स थे डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज ट्वेंटी उसने ट्वेंटी रुपीज की फाइनल कॉल नहीं दी ठीक है दो हजार शेयर इशू किए दो सौ रुपए का एक शेयर है कंपनी ने सारा पैसा मंगवा लिया सारा पैसा मंगवा लिया है बट एक शेयर होल्डर है जिसके पास सौ शेयर है उसने फाइनल कॉल नहीं दी अब देखो बेटा इसमें जो उन्नीस सौ शेयर्स है उनकी क्या गलती वो उन्नीस सौ शेयर होल्डर से तो सारा पैसा मंगवा लिया गया उन, उन्होंने सारा पैसा दे दिया है उनकी तो कोई गलती नहीं है तो 1900 शेयर होल्डर्स से सारा पैसा मंगवा लिया और सारा दे दिया इसको तो हम सब्सक्राइब एंड फुली अप में लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली अप में लिखेंगे ठीक है ना 1900 सौ शेयर होल्डर्स को अब डिफॉल्टर्स कौन से हैं 100 शेयर होल्डर्स जिनसे सारा पैसा मंगवाया लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो सब्सक्राइब एंड फुली अप में कौन से लिखेंगे उन्नीस सौ शेयर सौ रुपये का एक ठीक है एक लाख नब्बे हज़ार सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप में लिखेंगे हंड्रेड शेयर्स हंड्रेड रुपीज दस हजार कॉल इन एरियर इन्होंने नहीं दिया जब पैसा मंगवाते हैं और वो देते नहीं हैं उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स उन्होंने पैसा नहीं दिया तो सौ शेयर होल्डर्स ने बीस रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं दी दो हजार सौ शेयर्स हैं सौ रुपए का एक है दस हज़ार बनते हैं जिसमें से उन्होंने बीस रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी कॉल्स इन एरियस माइनस कर दिया आठ हज़ार लिख दिया सब्सक्राइब एन फुली पेडअप में उन्नीस सौ शेयर्स थे सौ रुपए का एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप में सौ शेयर्स थे ड्यू हुआ दस हजार माइनस उन्होंने नहीं दिया दो हजार बाहर आठ हजार दोनों को प्लस कर दिया वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड सब्सक्राइब एंड फुली पेड़ अप कैपिटल है एक लाख नब्बे हजार सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है आठ हजार तो टोटल होगी वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड सब्सक्राइब कैपिटल तो आपको शेयर कैपिटल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अब देखें यहां पर ये प्रॉफिटेड शेयर्स क्या होते हैं जैसे बेटा अभी अब हम मैंने आपको ये करवा रही थी आपको पिछली वीडियो में ना लास्ट वीडियो में आपको बता रही थी इलास्ट्रेशन एक्सप्लेन कर रही थी वहीं पर था ये तो इसका मेजर हेड्स एंड सब हेड बताना ये कहाँ लिखा जाता है तो अभी इसको रुक जाओ इसको रुक जाओ फॉरफिटेड शेयर्स ये तो आपको बता ही चुकी रुक जाओ इसको इलास्टेशन नाइन रुक जाओ अभी इलास्टेशन नाइन बाद में करवाती हूँ पहले देखिए डिवेंचर्स कहाँ लिखे जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग में लॉन्ग टर्म बोरिंग कहाँ लिखी जाती है नॉन करंट लाइबिलिटी में पब्लिक डिपॉजिट कहाँ लिखे जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग में और लॉन्ग टर्म बोरिंग कहाँ लिखी जाती है नॉन करंट लाइबिलिटी में तो पहले आपने इसका सब हेड डिसाइड करना है सब हेड को फिर कहाँ लिख देना है उसके मेजर हेड में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में ठीक है रिजर्व एंड सरप्लस लिखे जाते हैं शोल्डर फंड में तो ये आपने प्रॉफिटेड शेयर्स याद कर लेना प्रॉफिटेड शेयर्स अभी एक्सप्लेन करना है अभी इसको छोड़ दो करंट मेचोरटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म बोरिंग तो आपने सारा का सारा ये करना ही है प्रीमियम और रिडमशन ऑफ डिबेंचेस पढ़ा था हमने अभी आता है प्रीमियम ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म अदर में ठीक है ना तो ये सब आप अपने जो है ना आपको एक्सप्लेन किया उसके नोट्स बनाते रहो तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में आइटम्स दे रखी होंगी उसके मेजर हेड्स एंड आपने सब हेड्स लिखने हैं ठीक है जैसे ये, ये क्वेश्चन अगला इसके मेजर हेड्स एंड सब हेड्स लिखने हैं ठीक है तो या अगला क्वेश्चन है उसके भी मेजर हेड्स एंड सब हेडसेट में तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है अच्छे से पढ़ना है अब अगला है एसेट्स 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 के दो मेजर हेड्स हैं हमारे मेजर हेड सब एक तो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स तो आपकी करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स हमारी कौन सी एसेट्स करंट होएगी कौन सी नॉन करंट होएगी जैसे आपका लाइबिलिटी कौन सी करंट लाइब्रिलिटी थी कौन सी नॉन करंट थी उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा आपकी जो एसेट करंट नहीं है वो नॉन करंट है अब कौन सी एसेट करंट है ये देखना है जो एसेट रिलाइज हो जाएगी जिसकी पेमेंट मिल जाएगी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर या फिर जिसको हमने ट्रेडिंग के पर्पज से हेल्ड किया है या फिर जो 12 महीने के अंदर अंदर बैलेंस शीट बनाने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर, अंदर रिलाइज़ हो जाएगी या फिर कैश एंड कैश इक्यूलेंट जिनको हम किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते विच आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर बींग एक्सचेंज क्लियर तो इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो करंट एसेट है आपने इसके अंदर जो कंडीशन दिमाग में रखनी है वो आपने पहली वाली कंडीशन और ये तीसरी वाली कंडीशन कि 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो रही है तो करंट है 12 महीने से बाहर जा रही है एंड ऑपरेटिंग के अंदर है तब भी करंट है वो 12 से भी बाहर जा रही है ऑपरेटिंग से भी बाहर जा रही है तो वो नॉन करंट हो जाती है है ना जैसे एग्जांपल देखते हैं ये ट्रेडी सेबल दे रखे हैं सारे पांचों केसेस ऑपरेटिंग साइकिल ग्यारह महीने रियलाइजेशन पीरियड दस महीने ऑपरेटिंग के अंदर है करंट है ठीक है ऑपरेटिंग ग्यारह रियलाइजेशन बारह ऑपरेटिंग से बाहर जा रही है लेकिन 12 के तो अंदर है तब भी करंट हो गई ऑपरेटिंग ग्यारह रियलाइजेशन पंद्रह ऑपरेटिंग से बाहर जा रही है और बारह से भी बाहर जा रही है तो ये नॉन करंट हो गई ऑपरेटिंग बीस रियलाइजेशन पंद्रह ऑपरेटिंग के अंदर है ऑपरेटिंग के अंदर है करंट हो गई अगला ऑपरेटिंग बीस रियलाइजेशन चौबीस ऑपरेटिंग से बाहर जा रही है बारह से भी बाहर जा रही है ऑपरेटिंग से बाहर जा रही है है ना और बारह से भी बाहर जा रही है तो हो गई नॉन एसेट ठीक है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है अब नॉन करंट एसेट्स के बेटा पांच सब हेटते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टैक्स एसेट लॉन्ग टर्म लोन एंड एनवासिस अदर नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट्स क्या होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आगे चार तरीके के होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेटा वही टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग लैंड फर्नीचर कंप्यूटर व्हीकल ऑफिस इक्विपमेंट इन टेंजिबल एसेट ये जो कुछ नाम दिए ये याद कर लेना प्लीज ये इसको हाईलाइट कर देती हूँ ये नाम आप याद कर लेना ये सब आपने सुने ही होंगे गुडविल ब्रांड ट्रेडमार्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये मैस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स माइनिंग राइट्स कॉपी पेटेंट लाइसेंस फ्रेंचाइज ये सब याद कर लेना अब है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है ऐसी फिक्स एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं अभी बनी नहीं कुछ हद तक बन गई जितने हद तक बन गई उतनी हम बैलेंस शीट में लिख देंगे उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसके बाद इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हम कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं बना रहे हैं कुछ खर्चा हो चुका जितना खर्चा हो चुका उतना हम इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में लिख देंगे ठीक है तो हमारे नॉन करंट एसेट्स का पहला सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट इसके अंदर चार चीजें आती हैं

आपकी कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड आपकी कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड ठीक है एक्स लिमिटेड आपने वाई लिमिटेड के शेयर्स खरीदे क्यों खरीदे क्योंकि वाई लिमिटेड आपको रॉ मटेरियल देती है वाई लिमिटेड आपका मार्केटिंग पार्ट देखती है वाई लिमिटेड आपको ऑर्डर्स देती है कोई भी रीजन हो सकता है आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए किसी दूसरी कंपनी के शेयर और डिवेंचर खरीद रहे हो तो इस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा चार दो तरीके का ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के हिसाब से नहीं सोचा अदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए इक्विटी शेयर खरीद लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद ली ठीक है डिबेंचर्स खरीद लिए म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए या किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन गए या किसी भी तरीके के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी 12 महीने के अंदर नहीं बेची जाएगी और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में बेची जाएगी ना तो 12 महीने के अंदर आप बेचोगे इसको ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में बेचोगे अगर आप इसको 12 महीने के अंदर बेच दोगे अगर आपने इक्विटी शेयर खरीदे 12 महीने के अंदर बेच दोगे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी ऑपरेटिंग साइकिल में बेच दोगे तो वो नॉन करंट नहीं मानी जाएगी वो करंट मानी जाएगी इज इट क्लियर ठीक है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो तरीके की आपकी कौन कौन सी ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट लाइक प्रॉपर्टी के अंदर इक्विटी के अंदर प्रेफ्रेंशियर्स के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर डिबेंचर्स म्यूचुअल फंड्स पार्टनरशिप बट यहाँ पे जो आपका पीरियड रहेगा इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा वो बारह महीने से ज़्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा रहेगा अब टैक्स एक्सट सिलेबस में नहीं है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आपने लोन एंड एडवांस दिया ठीक है ये आपने जो लोन दिया वो आपने जो वापस लेना है बारह महीने में नहीं लेना बारह महीने के बाद वापस लेना है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस लेना है बारह महीने के बाद वापस लेना या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस लेना है चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसिस के पहला है कैपिटल एडवांस uh, आपने कुछ एसेट खरीदने के लिए एडवांस दे रखा है मशीन खरीदने एडवांस दे रखा है वो एडवांस अदर लोन एंड एडवांस लाइक जैसे कि आपने लोन दिया है सप्लाईज के लिए जो आपने रॉ मटेरियल खरीदना है उसको एडवांस दिया है एम्प्लाइज को एडवांस दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए वो आ गए लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में अब आता है अदर नॉन करंट एसेट्स अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आएंगे ऐसी नॉन करंट एसेट जो ऊपर की कैटेगरीज में नहीं आई वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएंगी जैसे ये एग्जाम्पल आपने याद करनी है सिक्योरिटी डिपॉजिट जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हो अपने बिजनेस का तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हो जब आप वाटर कनेक्शन लेते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हो आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो कुछ भी डील कर रहे हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रहे हो सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए करवा रहे हो 12 महीने के अंदर पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा वापस नहीं मिलेगा ये आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगी ट्रेड डिबल्स बेटा ट्रेड डिसेबल्स आपके करंट एसेट्स होते हैं ट्रेड डिसबल्स होते हैं आपके डेटर्स जिनको आपने उधार पर सामान बेचा डेटर्स एंड बिल रिसबल्स लेकिन ये आपके कब लॉन्ग ये आपके नॉन करंट कब बन जाते हैं नॉन करंट एसेट कब बन जाते हैं है? जब ये बारह महीने के अंदर रिलाईज नहीं होंगे और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में रिलाईज होंगे ये डाटर आपको ना तो बारह महीने में पैसा वापस देंगे और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा वापस देंगे ये आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडिसेबल होते हैं अदर अदर्स में आएगा कुछ ऐसे एसेट्स ये आपने याद कर लेना जरा प्लीज ठीक है नाम और इंश्योरेंस क्लेम रिसिवेबल आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम है जो आपको मिलने वाला है वो भी इसमें आएगा अब आती है बात करंट इन्वेस्टमेंट्स की लेट मी चेक लेंथ ऑफ द वीडियो तो मैं अब अगले वीडियो में करवाती हूँ ठीक है